नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पेपर कप मेकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे दोस्तों। साथ ही इस बिजनेस में प्रयोग होने वाले मशीन को लाइव दिखाएंगे और मशीन की जानकारी के साथ साथ इसमें प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल, बिजनेस की लागत, मुनाफा, लाइसेंस और मशीन की वारंटी एवं मेंटेनेंस के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे दोस्तों। हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या गांव और छोटे कस्बों में निवास करती है, जो जानकारी के अभाव में अपना बिजनेस या व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण काम की तलाश में उन्हें गांव से शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। अतः दोस्तों, हमारा यही कोशिश रहता है कि हम आप तक कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आएं और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएं, ताकि आप अपने गाँव में ही रहकर इन बिजनेस को करके अच्छी खासी कमाई कर सकें। पेपर कप बिजनेस की डिमांड दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्लास्टिक पर बैन लग चुका है और प्लास्टिक के कप पर चाय पीने या कोई गर्म चीज डालने पर प्लास्टिक से केमिकल निकलने लगता है, जिससे शरीर में कई तरह की बीमारी लग सकती है। दोस्तों, वर्तमान में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, इसीलिए आजकल सभी जगहों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, छोटे बड़े फंक्शनों में पेपर कप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पेपर कप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट में रोजाना होने के कारण इसकी मांग साल भर बनी रहती है और खासकर शादी पार्टी एवं फंक्शनों में इसकी डिमांड काफ़ी अधिक रहती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं पेपर कप का मैन्युफैक्चरिंग मशीन से किस प्रकार किया जाता है। ये देखिए, आपका इस तरह आपने मटेरियल लगा दिया है। मटेरियल को किस तरह से होता है आपका, ये बना बनाया कटा कटाया रेडीमेड मार्केट से तैयार मिलता है। हम इस मटेरियल को इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। जब हम मटेरियल को यहाँ पर लगा देंगे, बाकी अपने आप उसको लेता रहेगा यहाँ से, और यहाँ से आप कब शुरू चल रहे हैं, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है। यहाँ से आपका जो हमारा कागज़ गया है, यहाँ से ये फिक्स हुआ, फिक्स होने के बाद ये आगे बढ़ के यहाँ नीचे चला जाता है। बाकी वहाँ से देखिए बॉटम कट रहा है, बॉटम कट के आपका उसमें बॉटम लग जा रहा है और मशीन के अंदर जाकर के जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा हो जा रहा है और यहाँ से हमारा कप बना बनाया तैयार निकल आ रहा है। यहाँ से आपने मटेरियल लगा दिया इस तरह से मटेरियल लगा दिया, बस मटेरियल लगा देना है। हाँ। और मटेरियल लगाने के बाद हमारे कप यहाँ से आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से जो इसमें जो फिक्स हो गया है कप, बाकी आगे बढ़ गया है, चला आया और यहाँ पर ये देखिए नीचे से ये बॉटम लग रहा है। बॉटम मतलब नीचे का रोल लगा होता है, बॉटम का रोल लग जाता है और आपका ऑटोमेटिक बॉटम इसमें फिट होने के बाद, अंदर से फिक्स होने के बाद, जो यहाँ से आपका होकर आकर यहाँ आपका कप बनकर तैयार निकल आता है। अलग अलग विभिन्न साइज, जो साइज आप जो भी साइज आप लगाएंगे रॉ मटेरियल का, उस साइज का आपका पेपर का कप बनके तैयार निकल आएगा। चाहे आप इस साइज का लगाइए बॉटम, या पेपर आप इस साइज का मटेरियल लगाएंगे तो इस साइज का निकलेगा, इस साइज का मटेरियल लगाएंगे तो इस साइज का निकलेगा। मशीन की जानकारी दोस्तों, पेपर कप बनाने की मशीन दो प्रकार की आती है, जिसमें पहला सेमी ऑटोमेटिक मशीन होता है और दूसरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कुछ काम आपको हाथों से मैन्युअली करना पड़ता है और आज हम आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। आप इन मशीन को वीडियो के नीचे दिए गए विक्रेता के नंबर पर कॉल करके घर में मंगा सकते हैं। रॉ मटेरियल दोस्तों, पेपर कप मेकिंग बिजनेस में दो प्रकार की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला ITC का पेपर होता है, जो कि कटी कटाई पीस आती है। अलग अलग साइज के पेपर कप बनाने के लिए अलग अलग पेपर आती है, यह 70 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आता है। दूसरे प्रकार का रॉ मटेरियल सफ़ेद कलर के पेपर का रोल होता है, जो कि 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आता है, जिनका प्रयोग कप के बॉटम के रूप में किया जाता है। पेपर कप का उत्पादन दोस्तों, हमारे द्वारा दिखाए गए मशीन 1 घंटे में 3000 से 3200 पेपर कप पीस तैयार कर लेता है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट और अधिक उत्पादन की है तो आप इनसे अधिक क्षमता वाले मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। पेपर कप को कहाँ बेचें दोस्तों, पेपर कप को बेचने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में होलसेलर और छोटे बड़े व्यापारी एवं दुकानदारों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका बजट बड़ा है तो आप अपने पेपर कप का ब्रांड बना सकते हैं
और इसका एडवर्टाइजमेंट अखबार और टीवी के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका पेपर कप कुछ दिनों में बिकने लगेगा। बिजनेस की लागत, दोस्तों आप इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदकर पेपर कप बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा तरीका जिसमें आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। बिजनेस में कमाई, दोस्तों यह मशीन 1 घंटे में 3200 पीस पेपर कप तैयार कर सकता है, जिसमें एक पेपर कप बनाने पर आपको लगभग 31 पैसे का खर्च आता है। आप इसे अपने मार्केट में 40 से 45 पैसे में सेल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह मशीन 1 घंटे में आपको 400 से 500 रुपए की कमाई करा सकता है, और इसी तरह आप काम करते रहें तो सारा मेंटेनेंस कॉस्ट और रॉ मटेरियल का कॉस्ट हटाने पर 1 महीने में आप 70 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, दोस्तों इस मशीन पर 3 किलोवाट का लोड रहता है। यह मशीन सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर चल सकता है, पर कंपनी के अनुसार इसे 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर चलाना चाहिए। आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर भी इस मशीन को चला सकते हैं, और आप चाहे तो 3 फेस का कमर्शियल कनेक्शन लेकर भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस लाइसेंस, दोस्तों यह बिजनेस लघु उद्योग में आता है, अतः इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपने जिला के उद्योग केंद्र में रजिस्टर कराकर इसे शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने पर आपको 1000 से 2000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। मशीन की वारंटी एवं मेंटेनेंस, दोस्तों वीडियो में दिखाए गए मशीन को खरीदने पर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। दोस्तों यह मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, अतः इस पर मेंटेनेंस का ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, केवल आपको समय समय पर इसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना होता है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए इस बिजनेस के पार्ट 2 को जरूर देखें, जिसमें हमने विक्रेता से बात किया है और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।